सॉफ्ट ये बना है, ये देख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं, ये मेरे पास लैम्ब की नेक है। कभी आपका दिल नहीं करता कि आप सालन बनाएं या कुछ बनाएं, तो आप ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें तो ये बड़ा टेस्टी बनता है। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह कोई नहीं लगाने हमने। अच्छा जी, ये मैंने ये लिया है, ये देख लें। इस तरह मैंने इसकी दो चार बड़ी बड़ी पीस कर ली हैं, चार। इनको मैंने ऑलरेडी विनेगर में डिप करके रखा था, इनको वॉश कर लिया हुआ है। इसके साथ हमने दो लेमन लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। ये देसी गार्लिक है, इसलिए पाउडर है, इसलिए आपको ज़रा डार्क सा लग रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने ऑनियन पाउडर लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने वाइट पेपर कॉर्न लिए हैं, जैसे काली मिर्ची होती हैं इसी तरह सफ़ेद मिर्ची हैं जो सी ये वाली हैं। और हाफ टी स्पून मैंने रेड पेपर कॉर्न लिए हैं। ये मैंने लेमन जूस निकाल लिया, इसमें मैंने क्या डालना है, पहले सबसे पहले मैंने सॉल्ट जो है वो डालना है, मिक्स कर लें। ये सारे पीस जो से हैं लैम के, ये आप इसमें रख लें ऐसे करके, इसको ज़रा लगा दें अच्छी तरह से। मतलब ये हमने इसको लेमन लगा दिया, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। उसके बाद में हम बाकी मसाले जो से हैं वो मिक्स करते हैं और इसकी मैरिनेशन करते हैं। जो से मसाले हैं, पेपर कॉर्न जो से हमारे पास हैं, इन सब को मैं ज़रा सा इसमें डाल के क्रश सा कर लूँगी। अच्छा जी, ये हमने पेपर कॉर्न जो सी थी सारी क्रश कर ली हैं, ये डाल देंगे हम इसमें। इसमें हम जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर जो सा हमने रखा हुआ था ये डाल देंगे बीच में। एक से दो टेबल स्पून जो सी या क्रीम ये मैं डाल रही हूँ बस। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, ये हमने जो लैम डिप करके रखा था इसको हम ज़रा इसमें जो सा एक्स्ट्रा लेमन है उसको हम निकाल लेते हैं। ये बाकी हमने जो मसाला सा रखा हुआ है ये हम इसमें डालेंगे, लैम के पीसेस हैं हम इसमें डिप करके रख देंगे। आपने इसको एक घंटे के लिए रखना है कम अज़ कम, अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। इसको हमने कुकर में बनाना है, ये मैंने स्टीमर रख लिया है इसके अंदर, और इसमें एक कप मैंने पानी डाला है। इसमें जो हमने लैम मैरिनेट किया था वो हम रख देंगे इसमें। ये जो बचा हुआ मसाला है ये हमने फेंकना नहीं है, हमने इस तरह रख लेना, ये बाद में इस पर लगाना है हमने। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर देने लगी हूँ। देखिए, हम लोगों का मटन जो सा है ये गल गया प्रॉपर सही तरीके से, और अब मैं इसको मैंने ग्रिल ऑन कर ली है और अब मैं इसको ग्रिल में रखूँगी। और इसके बाद ये जो सा हमारे पास इसका मसाला बचा हुआ था पड़ा हुआ, ये हम सारा इस पर दोबारा लगा देंगे। ये इसको और सॉफ्ट कर देगा, ड्राई नहीं होगा जब आप ग्रिल में रखेंगे, ये आप ज़रूर करें। अब मैंने ग्रिल फुल कर लिया है, अब मैं इसको ग्रिल में रखूँगी और मैं उस वक्त तक इसको ग्रिल करूँगी जब तक ये ऊपर से इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखें जी, हम लोगों का ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट जो सा है वो बन गया है। इस तरह आपने ऊपर से गोल्डन ब्राउन करना है। अब आप ये आप बड़ी अच्छे डिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप रादर देन फुल लैम रोस्ट करें या बड़ा शोल्डर या लेग रोस्ट करें, अगर जो भी चीज़ आप साथ सर्व करना चाहते हैं वो आप करें। मैं आपको ज़रा सा ये तोड़ के दिखा दूँगी, ये देखें ऐसे ये सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट ये बना है, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।